नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के खूबियों के बारे में बताने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने भी चीन से निपटने और सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अगर बात करें सैन्य क्षमता की तो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस चीन पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए गए थंडर पर भारी पड़ता है। दोस्तों ये लगभग सभी मामलों में चीन पाक द्वारा MiG-21 को कॉपी करके बनाए गए थंडरबर्ड से बेहतरीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में तेजस को प्रदर्शित करने की बात की गई तब पाकिस्तान और चीन ने बेइज्जती से बचने के लिए थंडरबर्ड को प्रदर्शनी से हटा दिया था। तेजस एयरक्राफ्ट की सर्वाधिक गति जो है दोस्तों करीब 2000 किलोमीटर पर घंटा है और 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज को कवर करने वाला तेजस अधिकतम थ्रस्ट 9163 kg है। इसमें कांच और कॉकपिट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मल्टी मोड रडार कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर भी हैं। 2000 किलोमीटर का मतलब आप समझते हैं दोस्तों कि एक बार में उड़ान भरकर पूरा पाकिस्तान में किसी भी शहर किसी भी घर पर तेजस चाहे तो बम गिरा के आ सकता है और उस घर को मटिया मेट कर देगा। इस जेट पर दो R-72 ईयर टू ईयर मिसाइल, 2000 LHP क्षमता के बम, एक लेजर डिटेक्शन पॉड, 2 ड्रॉप टैंक्स हैं। एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। दोस्तों ज्यादातर भारतीय तकनीक होने के बावजूद इस लड़ाकू विमान के इंजन अमेरिकी है। रडार वेपन सिस्टम इजराइल और इंजेक्शन सीट बेल्ट बिल्ट-इन। तेजस का वजन करीब दोस्तों 12 टन है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। और बात करते हैं आगे, इस विमान का इंजन अमेरिकी इंजन है। इसके पंख का फैलाव 8.2 मीटर जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर और रफ्तार 2000 किमी प्रति घंटा है। दुश्मनों के विमानों से निपटने के इस्तेमाल होने वाला इसका मिशन कंप्यूटर भारतीय तकनीक पर आधारित है। दोस्तों इस लड़ाकू विमान में R-73 ईयर टू ईयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बैंड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इस जेट को बनाने में भारत निर्मित कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये थी तेजस की खूबियां। जब ये आसमान में उड़ेगा तो समझ लीजिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों पर एक बार टूट सकता है। और इसकी नाम सुनते ही बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान दोनों में ही खलबली मच चुकी है। इसके सामने टिकने की ये एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हल्का विमान है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जैसे कि ये तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। चीन इससे अभी से ही डरा हुआ है।